सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम लाओ त्सू के एक अद्भुत सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। लाओ त्सू कहता है, मेरे तीन खजाने हैं। लाओ त्सू के ऊपर अंग्रेजी प्रवचन माला का शीर्षक ओशो ने रखा, ताओ द थ्री ट्रेजर्स, ताओ के तीन खजाने। बहुत संक्षेप में तीन शब्द स्मरण रखना, निरति, नियति और प्रीति। ये तीन खजाने लाओ त्सू कहता है। लाओ त्सू की सारी शिक्षा का सार संदेश इन तीन शब्दों में आता है और ये तीनों आपस में संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। हम किसी एक को भी पकड़ लें, हम दूसरे और तीसरे को भी प्राप्त हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। निरति का अर्थ है ऑलवेज अवॉइड द एक्सट्रीम, अति पर मत जाना। हमारे मन की आदत घड़ी के पेंडुलम की तरह है, बाएं दाएं जाता है। हम एक अति से दूसरी अति पर जाते हैं, मध्य में नहीं ठहरते। मध्य में है शांति, मध्य में है संतुलन, मध्य में है सम्यक्ता। या तो हम अति भोजन करेंगे या फिर हम उपवास कर लेंगे, फिर उपवास के बाद फिर ओवर ईटिंग, फिर ओवर ईटिंग के बाद फिर फास्टिंग। हमारा मन हमेशा अति में डोलता रहता है। या तो हम बहुत ज्यादा सोएंगे या फिर कहेंगे ठीक है आज रात्रि जागरण करेंगे, एक अति से दूसरी अति पर चले जाते हैं। या तो दोस्ती में पागल हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, लोग कहते हैं ना ब्लाइंड इन लव, प्रेम में अंधे। या फिर बिल्कुल उल्टा, दुश्मनी में अंधे, घृणा से अंधे। मध्य में ठहरना हमारे मन के लिए बहुत मुश्किल है। या तो ये वाली अति या वो वाली अति, या तो हम तारीफ करेंगे, प्रशंसा में गीत गाएंगे, या फिर तुरंत हम आलोचना और निंदा करने लगेंगे और गालियां और अपमान शुरू। मध्य में नहीं ठहर सकते और शांति है मध्य में। इस बात को खूब स्मरण रखना, अपने जीवन में देखना कहां कहां हम अति कर रहे हैं, अति से बचना। तो निरति, मध्य में ठहर जाना। सब प्रकार से जीवन के विविध आयामों में साधारणतः आपने एक शब्द सुना होगा, संयम। संयम का मतलब ही होता है संतुलन। भगवान बुद्ध जैसे कहते थे मध्यम निकाय, मध्य मार्ग। लाओ त्सू उसको कहता है द गोल्डन मीन, स्वर्ण मध्य। क्योंकि बुद्ध की बात चीन में पहुंचने के पहले लाओ त्सू की बात फैल चुकी थी, इसलिए बुद्ध को बड़ी आसानी से चीन ने हजम कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। क्योंकि यह एक बात बिल्कुल समान थी। लाओ त्सू भी कहता है अति पर मत जाना, बुद्ध भी कहते हैं अति पर मत जाना। यदि जीवन वीणा के तार बहुत ज्यादा कसे हों तो संगीत पैदा नहीं होगा, तार छेड़ने पर टूट ही जाएंगे। और यदि वीणा के तार बहुत ढीले हैं तो खटर पटर होगी, शोरगुल होगा, संगीत पैदा नहीं होगा। संगीत कैसे पैदा होता है? एक मध्य की अवस्था होती है जब तार ना बहुत ढीले हैं ना बहुत कसे हैं, तब उसमें एक माधुर्य होता है। आपने कभी सर्कस में रस्सी पर चलते हुए नट को देखा? हाथ में एक डंडा रखे रहता है, अगर भय पैदा होता है कि लेफ्ट साइड में गिर जाएगा तो डंडे को थोड़ा सा दाहिनी की तरफ झुका लेता है, और अगर डर लगे कि दाहिनी तरफ गिर जाएगा थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका लेता है। संतुलन बना के रखता है, बार बार कभी बाएं कभी दाएं, कभी बाएं कभी दाएं, और वो रस्सी पर चल जाता है। ठीक ऐसे ही जीवन की यह रस्सी है,
इस जिंदगी को भी नट की भांति जीना, और एक ठोस सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता, ये पल पल बदलता है। इसलिए सम्यक्ता या संयम की साधना ऐसी नहीं होती कि एक सुनिश्चित धारणा के अनुसार हम जीने लगे, नहीं, जिंदगी रोज बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, कभी हम बाएं तरफ झुकने लगते हैं तो फिर दाहिने तरफ शिफ्ट करना होगा, क्षण क्षण बात बदलती है। इसलिए संयम या निरति साधने के लिए व्यक्ति को अत्यंत संवेदनशील और सजग होना होगा, कोई फिक्स्ड पैटर्न बंधा बधाया अनुशासन काम नहीं आएगा। उसी ने जिक्र किया है कि एक युवक उनके पास आया, उसने किसी महात्मा की किताब पढ़ ली थी कि 4 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए, सोना तमस का लक्षण है, और बात उसको जच गई। बड़े तर्क प्रमाण के साथ उस महात्मा ने सिद्ध किया था कि नींद तमस है, तमस से बचना चाहिए। उस युवक ने नींद छोड़ दी, बस 4 घंटे सोता और बड़ा परेशान रहने लगा, नींद पूरी ना हो, सुबह थका मांदा। तब उसके महात्मा जिसने किताब लिखी थी उसके पास गया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे चेहरे से तुम तामसी लग रहे हो, नींद और कम करो। तब और परेशानी बढ़ गई, दिन भर नींद नींद सी आती रहे, उबास सी आती रहे, कोई ऊर्जा नहीं, स्फूर्ति नहीं, ताजगी नहीं, वो और अति पे चल गया, बिल्कुल ही सोना बंद कर दिया। फिर तो उसका मन भी विक्षिप्त जैसा होने लगा। कोई मित्र उसे ओशो के पास लाए, ओशो ने समझाया, बड़ी मुश्किल था समझाना। वो कह रहा था कि परमात्मा ने यह जीवन बनाया। ओशो ने कहा, एक बात बताओ, तुम कह रहे परमात्मा ने जीवन बनाया तो तमस किसने बनाया? अब वो फंस गया, कहिए भी परमात्मा ने बनाया। तो ओशो ने कहा, जब परमात्मा ने बनाया है, नींद परमात्मा ने बनाई है, सारे जगत के सब प्राणी सोते हैं, वृक्ष तक सोते हैं, तो जरूर इसका कोई उपयोग होगा। तुम महात्मा की मानोगे कि परमात्मा की मानोगे? बात उसे समझ में आई। उसने कहा, कम से कम 8-9 घंटे सो, जो तुम्हारे लिए स्वाभाविक है, और इतने दिनों से चूंकि तुम नहीं सोए हो इसलिए बेहतर हो कुछ दिन थोड़ा ज्यादा ही सो लो, फिर बैलेंस संतुलन बन जाएगा। लाओसू ने तराजू के प्रतीक का उपयोग किया है, जैसे तराजू में डंडी होती है, बीच में कांटा होता है, दोनों तरफ पलड़े होते हैं, एक पलड़ा ऊपर जाता है, दूसरा नीचे, कभी ये ऊपर वो नीचे, कभी ये नीचे कभी वो ऊपर, बैलेंस साधते रहो, दोनों पलड़े समतुल रहे, न बहुत ज्यादा सोना, न बहुत ज्यादा जागना, न बहुत ज्यादा श्रम करना, न बहुत ज्यादा विश्राम करना, हर चीज में संतुलन पकड़ना, और तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में शांति अवतरित होने लगी। अति न करने से मनुष्य के पास अपूर्व शक्ति संचित हो जाती है, अदम्य और भरपूर जीवन ऊर्जा, और तब अंतर्यात्रा बहुत आसानी हो जाती है, व्यक्ति कोमल और संवेदनशील हो जाता है। अति करने वाले लोग, तथाकथित महात्मा और संयमी, भले कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, वो कोमल नहीं होते, उनके जीवन में संतुलन नहीं होता, वो दुष्ट किस्म के लोग होते हैं, अपने आप को सताते हैं, वे हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, सावधान। यद्यपि जब तुम अति पे जाओगे संसार में तुम्हें बड़ा सम्मान मिलेगा। जैनों को देखा, कभी कभी 10 दिन पर्युषण पर्व में पूरा उपवास कर लेते हैं, 10 दिन एक दाना नहीं खाया अनाज का, फिर उनकी शोभा यात्रा निकलती है, हाथी पे बैठा के बैंड बाजे बजाते हुए समाज वाले ले जाते हैं, फूलों के हार पहना के 10 दिन भूखे रहे। संसार तुम्हें सम्मान देगा अगर तुम अपने आप को सताओगे। जिसे हम साधारणतः तपस्या कहते हैं वह एक प्रकार की आत्महिंसा है, वह संयम नहीं है, वह एक प्रकार की दुष्टता है।
लाओत्सु कहता है पहला खजाना है निरअति, दूसरा खजाना है संसार में कभी प्रथम मत होना, दूसरे के साथ तुलना नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रतियोगिता नहीं। तुम हो, दूसरा दूसरा है, तीसरा तीसरा है, हर व्यक्ति यूनिक, असाधारण और बेजोड़ है। दूसरे से तुलना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम यहां पर स्वयं होने के लिए आए हो, किसी अन्य जैसे होने के लिए नहीं। नकल मत करना, किसी के पीछे मत दौड़ना। हो सकता है वह सही मार्ग पर जा रहा हो अपने स्वधर्म और स्वभाव के अनुसार, लेकिन उसके पीछे तुम जाकर भटक जाओगे। एक बड़ी मजेदार घटना ओशो ने सुनाई है। एक बार वे जबलपुर से जा रहे थे इलाहाबाद, जो उनको ले जा रहे थे वो एक राजनेता थे। रास्ते में ओशो ने देखा कि शायद कुछ भटक गए हैं गाड़ी, इलाहाबाद की तरफ न जाके छतरपुर की तरफ जा रहे हैं, छतरपुर के बोर्ड आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, ये तो दूसरा रास्ता है। उन नेताजी ने कहा कि एक आदमी ने बहुत तेज गति से कार चला के मेरे से आगे निकाल ली, अब जब तक मैं उससे आगे ना निकल जाऊं मुझे चैन नहीं। अब वो आदमी छतरपुर की तरफ मुड़ गया, नेताजी छतरपुर गए। उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की कि हमें क्या लेना देना, हम तो इलाहाबाद जा रहे थे। उनका नहीं, अब मेरे दिल को चैन नहीं आएगा जब तक मैं उससे आगे ना निकाल लूं, ओवरटेक ना कर लूं। कोई 2 घंटे लगे, जब उसको ओवरटेक कर लिया एक बार नेताजी ने, तब उनको चैन आया। फिर उन्होंने गाड़ी मोड़ी, फिर 2 घंटे की वापसी, यहां से टर्न हो गए थे, फिर इलाहाबाद की तरफ गए। यदि इस प्रकार की विक्षिप्तता हमें पकड़ गई, हम दूसरों से आगे निकलने की कोशिश कर रहे, तो हमारा सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर हमें अपनी नियति, अपनी डेस्टिनी पाना है, हमें अपने स्वभाव के मुताबिक जीना सीखना होगा। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, सब न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तुम किस किस के पीछे चलोगे, और इनके पीछे चलने की दौड़ में तुम अपने स्वभाव के अनुकूल जीना भूल ही जाओगे। बड़ी से बड़ी भूल कोई आदमी करता है जिंदगी में, यही है। हम दूसरे जैसे होने का प्रयास करने लगते हैं, हम कभी भी संतोष को, आनंद को, परितोष को उपलब्ध नहीं हो सकते। मैंने सुना है कि मौलाना नसरुद्दीन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया था, बड़ी भीड़ थी, 20,000 लोग इकट्ठे थे। जब नसरुद्दीन सामने की तरफ झुक रहा था, पीछे से किसी ने उसका कुर्ता खींचा, उसका कुर्ता ऊपर उठ गया था, तो पीछे वाले ने, किसी भले मानुष ने, उसको ठीक करने के लिए खींच दिया। नसरुद्दीन ने समझा कि शायद ऐसा रिवाज है। नसरुद्दीन ने अपने सामने वाले का कुर्ता खींच दिया। उस सामने वाले को भी कुछ समझना आया कि क्या करे, उसने सोचा शायद नमाज पढ़ने का ये तरीका होगा। उसने अपने सामने वाले का कुर्ता खींच दिया। कोई 10-12 लोगों ने अपने सामने वाले का कुर्ता खींच दिया। जब नमाज खत्म हुई, 10 नंबर आगे जो आदमी था वो बहुत नाराज हुआ अपने पीछे वाले पे, तुमने मेरा कुर्ता क्यों खींचा था जब मैं नमाज में झुक रहा था। उसने कहा मुझे क्या पता, मेरे पीछे वाले ने किया था, मैंने सोचा कि ये परंपरा होगी। उसने अपने पीछे वाले से पूछा, तब जाके पता चला कि नसरुद्दीन के पीछे वाले ने इसलिए खींचा था कि कुर्ता ऊपर उठ गया था। दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर हम उनका अनुगमन करने लगे हम पागल हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। हजारों प्रकार के प्रभाव, इफेक्ट्स सब तरफ से पड़ रहे हैं, और हमें पता भी नहीं कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और हम भी वैसा ही करने लगते हैं। बड़े बचपन से महत्वाकांक्षा का जहर बच्चों को पिला दिया जाता है, दूसरे से आगे निकलना है, किस लिए निकलना है। और हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली
एम्बिशन सिखाती है, दूसरों से आगे निकलो, दूसरों को पीछे पछाड़ दो, तुम्हें सबसे आगे होना चाहिए। नंबर एक, जिंदगी को बर्बाद करने का सबसे सरल तरीका यही है। लाओसु कहता है, नहीं, प्रथम होने की दौड़ में मत पड़ना। ठीक ऐसा ही वचन ईसा मसीह का है। वे कहते हैं, धन्य है वे जो अंतिम है इस संसार में, वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम होने के अधिकारी होंगे। और यहाँ जो प्रथम हो गए हैं वे परमात्मा में अंतिम हो जाएंगे। लाओसु कहता था, मैं कभी किसी सभा में जाता हूँ तो पीछे बैठता हूँ जहाँ लोग जूते उतारते हैं, बड़ा फायदा है, बड़ी शांति से बैठता हूँ, वहां से आज तक किसी ने मुझे उठाया नहीं, भगाया नहीं, लोग ध्यान ही नहीं देते, किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं सभा में आया हूं। और मैंने फजीहत होते देखी है उन लोगों की जो आगे बैठने की कोशिश करते हैं, उनकी जिंदगी बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। भगवान कृष्ण जिसे कहते हैं अर्जुन से, स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह, अपने स्वधर्म में जीना, पर धर्म में मत उलझना। समझो किसी आदमी को पागलपन चढ़ा है बड़ा मकान बनाने का, और तुम अपने झोंपड़े में प्रसन्न थे और तुम भी बड़ा मकान बनाने के चक्कर में फंस गए उसकी नकल करके, तुम व्यर्थ ही अपनी जिंदगी गंवा दोगे। सोचना, तुम्हें जरूरत है, किसी ने मोबाइल का लेटेस्ट मॉडल खरीद लिया, अब तुमको सनक सवार हो गई, जब तक ये ना खरीद ले तब तक चैन नहीं। पहले सोच तो लो तुम्हें आवश्यकता है भी कि नहीं है। किसी के पास नई कार आ गई, तुम्हारी रात की नींदें उड़ गई, जब तक पड़ोसी जैसी कार ना खरीद लो। किसी की पत्नी तुम्हारी पत्नी से ज्यादा सुंदर है, पागलपन सवार हो गया, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तुम अपने भीतर टटोलो, तुम्हारे भीतर तुम्हारे अंतःकरण से क्या आता है उसके अनुसार जियोगे तो तुम्हारी जो डेस्टिनी है, तुम्हारी जो नियति है, तुम उसे हासिल कर सकोगे। एक आदमी अच्छी बांसुरी बजाता है और लोग ताली बजा रहे थे और तुमको सनक सवार हो गई कि मैं भी बांसुरी बजाऊं। तुम्हारे भीतर वह संगीत की संवेदनशीलता है कि नहीं, यह तुम्हारे स्वभाव से मैच करता है कि नहीं। तुम पागल हो जाओगे बांसुरी बजा बजा के, शोरगुल पैदा होगा, संगीत पैदा नहीं होगा। तुम्हारी इनबॉर्न हिडन टैलेंट अगर वो है तो ही यह होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, कभी तुमने सोचा यह किस बात का प्रतीक है? प्रभु के चरणों में हमारे भीतर की चेतना का फूल चढ़ सकता है अगर हम पूरे खिल जाएं, तो हम चढ़ने योग्य हुए। तो हमारे भीतर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसे विकसित करो, तुम्हारी नियति अपनी परिपूर्णता में पहुंचे, पूर्ण खिलावट में, तो ही तुम परमात्मा को चढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं चढ़ पाओगे। और जो लोग संसार में प्रथम होने की दौड़ में पड़ जाते हैं उनकी प्रतिभा का विकास नहीं हो पाता, उनके भीतर प्रौढ़ता मैच्योरिटी नहीं आ पाती, फिर बचकाने रह जाते हैं। तुम प्रौढ़ हो, परिपक्व बनो, तो ही प्रभु के चरणों में चढ़ने योग्य फूल बन पाओगे। अब्राहम लिंकन जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बना तो सीनेट में उसकी बेइज्जती करने के लिए एक आदमी ने कहा, लिंकन भूल मत जाना, तुम्हारे पिता एक चमार थे और हमारे परिवार के लिए जूते सिलते थे। लिंकन ने आंखें बंद कर ली, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने अपने पिता का स्मरण किया और कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, यदि प्रेसिडेंट पद संभालते हुए प्रतिज्ञा लेते हुए आपने मेरे पिता का स्मरण दिला दिया। सच पूछो तो मेरे पिता जितने अच्छे चमार थे शायद मैं उतना अच्छा प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा। धन्य है मेरे पिता, और इस क्षण में उनका पावन स्मरण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो जिस कला के साथ जूते सिलते थे,
शायद मैं उस कला के साथ देश को न संभाल पाऊंगा। उनकी कलाकारी अद्भुत। सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, सवाल यह है कि तुम कैसे करते हो। क्या तुम समग्रता के साथ, टोटलिटी के साथ, एक कला की भांति अपने कार्य को कर रहे हो तो तुम सफल हो गए। संसार तुम्हें सफल मानता है कि नहीं मानता, वह बात गौण है। आखिरी हिसाब में तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया और क्या पाया, यही पूछा जाएगा कि तुम्हें जिस लिए दुनिया में भेजा था, क्या तुम वह जिंदगी जिए, तुमने अपनी नियति पूरी की। दूसरों को भूल जाओ, अपने भीतर तलाशो वो क्या है जिसे करके, जिसे पाके, जिसे होकर तुम्हें शांति मिलेगी। दूसरों को बिल्कुल भूल जाओ, उनसे क्या लेना देना, तुम्हारी जिंदगी है, तुम इसके मालिक हो। और यह ख्याल आते ही तुम्हारी अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी, भीतर तुम्हारा फूल खिलने लगेगा। तो ये दो खजाने, निरति और नियति,